किसने मथुरा वासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का साहस किया है? किसने? भोजन मैंने बनाया आपके लिए, भोजन ये लीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे ये लोग मेरे दास बने हैं, पराजित होने के बाद तुम भी मेरा दासत्व स्वीकार करोगे, बोलो। भैया, ममता और स्नेह के नाम पर फिश परोस दिया। बताओ, इस बार बहुत अभ्यास किया है मैंने, इस बार मैं आपको पराजित करके ही रहूंगा। तुम लल्ला हो और रहोगे मेरे सामने, अपने बड़े भाई को पराजित करोगे इसमें? चलिए देखते हैं। चलिए दाऊ, शुरू करते हैं। मुझे छल करके मुझसे जीतना चाहते हो आप? इस बार मैं आपको पराजित करके रहूंगा, सब पता है मेरे को, मैं नहीं हारूंगा। काना, मैं और छल नहीं। ओ मेरे लल्ला, काना, ओ काना। लगता है कोई सच में हमें पुकार रहा है। चलिए देख के आते हैं। चलो। मुझे मेरे लल्ला से मिलना है। देखिए, मुझे जाने दीजिए अंदर। आप अभी अंदर नहीं जा सकती, युवराज अभी भोजन कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, लल्ला से मिलने दीजिए। आपने सुना नहीं इन्होंने क्या बोला? आने दीजिए उन्हें। मेरे लल्ला, मेरे लल्ला, मेरे काना, मेरे काना, काना। अब आपने मुझे लल्ला बुला ही लिया है, तो ये भी बताइए कि क्या काम है और कौन है आप? प्रभु, मैं चार धाम की यात्रा करके आई हूँ। मैंने प्रण लिया था कि वापस मथुरा जाकर आपको अपने घर ले जाकर प्रसाद खिलाऊंगी और अपना तीरथ सफल करूंगी। आप मेरे घर चलेंगे ना? भैया, काना कल आपके यहाँ आ जाएगा। इनको तो प्रतीक्षा क्यों करवानी, मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। हाँ हाँ, चलिए 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 काना। कुछ तो खटक रहा है मुझे। काना, काना बलराम, काना बलराम, हमारी सहायता कीजिए, हमारे साथ नहीं दोगे बलराम, हमारी सहायता कीजिए बलराम, हमारी सहायता कीजिए बलराम। चलिए चलिए। हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा प्रण पूरा हो गया। आइए प्रभु, आइए आइए। आइए विराजिए प्रभु। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा मेरे घर आए हैं। विराजिए प्रभु, विराजिए प्रभु, आप विराजिए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। ये बंद क्यों है? किसने मथुरा वासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का साहस किया है? किसने? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने
मैंने हाल किया है इन सबका, दास बनाया है अपना। तुम जो भी हो वानर मुखी इंसान, छोड़ दो इन्हें, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है किसी से परिचय करने का? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए? हली है मेरा नाम, हली हूँ मैं। मुझे तुम्हारे नाम से कोई सरोकार नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इन सबको बंदी क्यों बना कर रखा है। ये सब स्वेच्छा से मेरे बंदी बने हैं। मेरे साथ मल्ल युद्ध करने का इन्होंने आह्वान स्वीकार किया था और पराजित होने के बाद ये मेरे दास बन गए, वो भी अपनी स्वेच्छा से। तुम्हें ये लोग आसान लगे काबू करने के लिए? यदि दम है तो मुझसे कुश्ती लड़ो, और यदि मैंने विजय प्राप्त कर ली तो तुम्हें इन सबको मुक्त करना पड़ेगा, समझे? भोजन मैंने बनाया आपके लिए, भोजन ये लीजिए। प्रभु आप तो राजमहल में रहे हैं, 84 प्रकार के व्यंजन खाए पिए हैं, आज इस गरीब का भोजन भी खाइए ना। मैया, मैं भोजन का नहीं मुंह का भूखा हूँ। आप इतने स्नेह से यदि मुझे विष भी देंगे तो भी मैं वो खुशी खुशी ग्रहण कर लूंगा। भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है मैया। प्रभु आपने तो भोजन ग्रहण किया नहीं, फिर कैसे पता स्वादिष्ट है? आप ग्रहण तो करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। अब नगाड़ा क्यों बजा रही? ताकि सबको पता चले कि मेरे घर प्रभु कृष्ण आए हैं। वो केवल धनियों के घर नहीं गरीबों के घर भी आते हैं। बात तुम्हारी विजयी होने की नहीं बलराम, यदि तुम पराजित हो गए तो क्या चाहिए तुम्हें? जैसे ये लोग मेरे दास बने हैं, पराजित होने के बाद तुम भी मेरा दासत्व स्वीकार करोगे, बोलो स्वीकार है तुम्हें? स्वीकार है। तो चलो इसका निर्णय हम अखाड़े में करते हैं। मेरा प्रण पूरा हुआ, मैंने श्री कृष्ण को घर पे भोजन करा दिया। गुरुदेव सुना आपने? ढोल नगाड़ा बज रहा है, वो भी इतना बेसुरा। ये नगाड़ा हमें सूचना देने के लिए बज रहा है कि मेरी शिष्य सरपटी ने अपना काम कर दिया है। चलो तुम ना सही, तुम्हारी शिष्या तो किसी काम की निकली। मुकाबला करोगे? अभी इसी वक्त पता चल जाएगा कौन कितने काम का है। ठहर जाओ, पहले प्रमाण तो मिले कि ये नगाड़े खुशी में बजाया जा रहे हैं या। गुरुदेव जरा दिखाइए तो सही कि कृष्ण कैसे तड़प रहा है। और स्नेह के नाम पर विष परोस दिया। हे नागराज, मैंने वर्षों से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा की है, अब समय आ गया है, हमें उस सेवा का फल दो। कृष्ण अब तेरा अंत समय आ गया, अब तू नहीं बचेगा।
मेरा नाम है छटपटी, मेरे गुरु हैं घटपटी, इसलिए तेरी मच रही है छटपटी, और ये सब मेरे कारण हो रहा है, केवल मेरे कारण। कृष्ण कितने अच्छे लग रहे हो ऐसे असहाय और दुर्बल। जिस तरह तूने मेरी मौसी पूतना को छला था, उसी तरह हमने तुझे छला है। तूने जो विष पिया है उसका कोई तोड़ नहीं, तू नहीं बचेगा कृष्ण, तेरी मृत्यु निश्चित है। योजना तो ठीक ही थी तुम्हारी खटपटी, परंतु अब क्या, अब तो वो अपने दाव को बुला रहा है। उसका तो मुझे स्मरण ही नहीं रहा। खाने और सोने के सिवाय तुम्हें कुछ याद भी रहता है खटपटी? तू ऐसे बकबक करते रहेगा ना तो तुझे भी सुला दूंगी मैं। जरासंध, बच्चों की तरह खटपट खटपट क्यों कर रहे हो? बलराम को दूर करने का कार्य मैंने तुम्हें सौंपा था। मैंने अपने कार्य को भली भांति अंजाम दे दिया है गुरुदेव। अच्छा तो हम भी देखें कि तूने उस बैल जैसे बलराम का क्या किया है। मैं अचानक इतना निर्बल कैसे हो गया? मेरी भुजाओं की शक्ति कहाँ गई? उठ बलराम, उठ! उठ बलराम! देखा गुरुदेव, देखा आपने मेरा नया हथियार हल्ली, कैसे इसने बलराम को धोबी पछाड़ दिया। शायद इस बलराम को ये पता नहीं है कि हल्ली को एक वरदान प्राप्त है अपने प्रतिद्वंदी की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने। अब देखना कैसे वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। हो जाएगा ना खटपटे, अभी से ही उतर मत बचा। शांत शांत हो जाओ तुम दोनों और अपना अपना कार्य करो। ए, कहां भाग रहा है नागासुर? प्रकट होइए नागराज, अपना प्रसाद ग्रहण करो। ग्रहण कीजिए, अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए नागराज, ग्रहण करो। शेषनाग यानी यानी दाव की संतति, मैं इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, बस किसी तरह इन्हें रोकना होगा। हे अग्निदेव, सहायता कीजिए मेरी, अपनी अग्नि से मेरी रक्षा कीजिए।
हार गया ना तू मुझसे, बन गया ना मेरा दास। और दास को ये राजसी मुकुट शोभा नहीं देता। दास की तरह आचरण करना सीख लो बलराम। झुको मेरे सामने, झुको मेरे चरणों में। आपका बहुत बहुत आभार मेरी सहायता और मेरी रक्षा करने के लिए। बुक कर दीजिए मुझे। हाथ जोड़। चल मेरे साथ, चल। अब तो दोनों भाई एक साथ मरेंगे। ये हुई ना बात। मथुरा वासियों, ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा बलशाली बलराम। इसे मैंने हरा करके अपना दास बना लिया है। आज से ये मेरा सेवक है। ऐसी व्यवस्था है दाव। काना, ए, कहां जा रहा है? जाने दो मुझे। भूल गया तू मेरा दास है? हाँ, वो मेरा भाई है। तो मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं तेरा स्वामी हूं और तू मेरा दास। और दास के लिए अपने मालिक से बढ़के कुछ नहीं होता। ए, तुमने मेरा दास बनना अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया है। अब अपने कहे से पीछे हट रहे हो। मैं अपना कहा बदल नहीं सकता। चलो, तुम्हारी भुजाओं में तो बल नहीं, परंतु तुम्हारे शब्दों में बल अवश्य है। तुम सब मेरे दास हो दास। तुम सब कल से मेरी सेवा करोगे। चल, उठ जाओ। काना की सहायता करना।